आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में साइन न्यूज। नमस्कार दोस्तों, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज में एक बार फिर आपका स्वागत है। बुद्धि विनायक, बुद्धि के देवता, विघ्नहर्ता भगवान गणेश, गणेश भगवान विराजमान होने वाले हैं शनिवार 7 सितंबर 2024 को। 10 दिनों तक गणपति बप्पा मौर्या की धूम शिव की नगरी में मची रहेगी। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज़ के लिए अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। लंबोदर भगवान गणेश की प्रतिमाएं अब अंतिम रूप में आकार लेते हुए दिख रही हैं। मूर्तिकार दिनेश ठाकुर यहां पर मूर्तियां बना रहे हैं। हमने आपको दिखाया मूर्तिकार दिनेश ठाकुर को लंबोदर भगवान गणेश की प्रतिमाओं की स्थापना शनिवार 7 सितंबर 2024 को की जाएगी। गणेश स्थापना का मुहूर्त, गणेश स्थापना की विधि, भगवान गणपति के पूजन आदि के संबंध में हम आपको पृथक से खबरों के जरिए जानकारी देंगे। लगातार ही बुद्धि विनायक भगवान गणेश के संबंध में हम आपको उनकी कथाएं आदि के बारे में विस्तार से लगातार ही बताते जाएंगे। हम आपको बता दें कि समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ में एक और सेगमेंट आरंभ किया गया जो धर्म का सेगमेंट है। इसमें सभी धर्म संप्रदाय के बारे में जो भी धारणाएं प्रचलित हैं, जो भी बातें प्रचलित हैं, उन सब को लगातार ही हम आपके सामने रखते जाएंगे। और बुद्धि विनायक भगवान गणेश 7 सितंबर 2024 से 17 सितंबर 2024 तक वे विराजित रहेंगे। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ के लिए अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। बुद्धि के देवता, बुद्धि विनायक, एक दंत ना जाने कितने नामों से पुकारा जाता है विघ्नहर्ता भगवान गणेश को। ये देखिए यहाँ पर मूर्तिकार के सहयोगी अंतिम रूप देते हुए दिख रहे हैं प्रतिमाओं को। कितनी सुंदर प्रतिमाएं यहाँ पर तैयार हो रही हैं। और जब इनको पूरी तरह से तैयार कर लिया जाएगा, इनमें रंग रोगन हो जाएगा, उन्हें वस्त्र आदि पहना दिए जाएंगे, उसके बाद इनकी छटा देखते ही बनेगी। और जब झिलमिल लाइट्स के बीच में ये पंडालों में विराजेंगे तो उसके बाद इनका स्वरूप कुछ अलग ही नज़र आएगा। ऐसा माना जाता है कि जो भी मूर्तिकार प्रतिमाओं को बनाते हैं उनकी आत्मा इसमें जाकर बस जाती है। वे बहुत ही दिल से इन सभी प्रतिमाओं को तैयार करते हैं, इस तरीके की मान्यता भी है। सिवनी में अनेक मूर्तिकार हैं जो इन प्रतिमाओं को तैयार करते हैं। कितनी छोटी छोटी सी प्रतिमाएं इनके द्वारा पहले तैयार की गई जो अंतिम रूप जिन्हें दे दिया गया है। दरअसल गणेश प्रतिमाओं को बनाने का सिलसिला बरसात के आरंभ से ही धीरे धीरे कर दिया जाता है। और जैसे ही गणेश प्रतिमाएं यहाँ से विदा होती जाती हैं पंडालों के लिए, और गणेश विसर्जन के ठीक बाद दुर्गा प्रतिमाएं, माता दुर्गा की प्रतिमाओं को बनाने का सिलसिला आरंभ हो जाता है। भगवान शिव की नगरी में जहाँ गंगा जमुनी तहजीब है, वहाँ कितने सुंदर तरीके से इन प्रतिमाओं को बनाकर सजाकर रखा गया है। और प्रतिमाओं को गणेश बैठकी के पूर्व गणेश चतुर्थी में जब इन्हें विराजित किया जाएगा उसके पूर्व लेने के लिए यहाँ पर श्रद्धालुओं का आने का सिलसिला आरंभ हो गया है। हालांकि अभी 5-7 दिन बचे हुए हैं, उसके बाद भी लोग अपनी पसंद की प्रतिमाएं देखने शहर में निकलने लगे हैं। 10 दिन तक बुद्धि विनायक भगवान गणेश की धूम मची रहेगी। इस दौरान शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील, इसके साथ ही जो भी जहां पर भी पंडाल में बुद्धि विनायक भगवान गणेश एक दंत महाराज को विराजित किया जाएगा, वहां फूहड़ गाने ना बजाए जाएं, धार्मिक गीत ही बजाए जाएं। गीत जब बजाए जाएं तो उनका साउंड, आवाज़ बहुत कर्कश ना रहे, किसी को असुविधा पैदा करने वाली ना रहे, इस बात का विशेष ध्यान रखा जाए। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया आप सभी से अपील करती है, यद्यपि ये अपील
जनप्रतिनिधियों और प्रशासन की ओर से हो सकता है कुछ समय बाद की जाए, पर समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया आप सभी से अपील करती है कि बहुत शालीनता से सभी पर्वों को मनाया जाए। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज़ के लिए अखिलेश दुबे की ये रिपोर्ट। एक बार फिर हम बता दें आपको कि समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया का एक सेगमेंट अभी आरंभ किया गया है लगभग 15 दिन पहले, जिसमें धार्मिक बातों के बारे में विस्तार से बताना आरंभ किया गया है। आप समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज़ में इसे देखना ना भूलें। सभी धर्म, सभी संप्रदाय के जो भी त्यौहार होते हैं, तीज त्यौहार, उनके संबंध में जानकारियां एकत्र कर, विशेषज्ञों से बात कर और आपके समक्ष जानकारियां प्रस्तुत करने का समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया का एक प्रयास आरंभ किया गया है। आप सभी के सहयोग से ये प्रयास सफलता की ओर बढ़ता हुआ भी दिख रहा है। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज़ के लिए अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। बुद्धि विनायक भगवान श्री गणेश की विभिन्न आकार की हर साइज़ में यहाँ प्रतिमाएं आपको दिख रही होंगी, अलग अलग आकार की, अलग अलग साइज़ की प्रतिमाएं, और धीरे धीरे इन्हें अंतिम रूप दिया जा रहा है। 7 सितंबर शनिवार को बुद्धि विनायक की स्थापना की जाएगी विभिन्न पंडालों में। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज़ के लिए अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। देखिए लंबोदर महाराज की ये प्रतिमा भी आपको दिखा दें, जो अंतिम रूप जिसे दिया जा रहा है और रंग रोगन करता हुआ कलाकार आपको दिख रहा होगा। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज़ के लिए अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। अगर समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज़ में खबरें आपको पसंद आ रही हों तो आप इन्हें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। फिलहाल आपसे इजाज़त लेना चाहेंगे, नई जानकारी लेकर फिर हाजिर होंगे। जय हिंद।